नमस्कार, आपने लॉग ऑन किया है दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। दर्पण एंटरटेनमेंट। जॉन इब्राहिम की 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म सत्यमेव जयते इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसका एक कारण फिल्म का गाना दिलबर दिलबर भी है, जिसे रिक्रिएट किया गया है। इस गाने पर कैनेडियन एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही ने परफॉर्मेंस दिया है। दिलबर गाने को अब तक 8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये पहला भारतीय गाना है जो इस मुकाम पर पहुंचा है। इस गाने ने फिल्म नवाब जादे और धड़क के गाने हाई रेटेड गबरू और जिंगाट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाई रेटेड गबरू को 6.5 करोड़ और जिंगाट को 5 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले थे। फिल्म सत्यमेव जयते का दूसरा गाना पानियों सा भी पॉपुलर हो रहा है। इसे टी सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। 3 मिनट के गाने के इस वीडियो में जॉन इब्राहिम और फिल्म की लीड एक्ट्रेस आयशा शर्मा के बीच रोमांस दिखाया गया है। वीडियो को अब तक तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है और इस गाने को तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लाइक भी मिल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि फिल्म सत्यमेव जयते आगे क्या कमाल दिखा पाती है। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और हमारे इस न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंटरटेनमेंट डेस्क, दिल्ली दर्पण टीवी।